मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जबरदस्त उत्साह है। सभी कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और चलिए इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। महाकाल की नगरी में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर को आकर्षक तरीके से बेंगलुरु से लाए हुए फूलों से सजाया सवारा गया है। वहीं भगवान के वस्त्र सात समुद्र पार से श्री कृष्ण सुदामा राधा सुभद्रा को धारण कराए गए हैं। इस बीच इस्कॉन मंदिर के महाराज जी का कहना है कि 2004 में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जब विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मोहन यादव ने इसका मंदिर की भूमि से आवंटन किया था, जो आज प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। और ये अद्भुत सहयोग है कि एक इस्कॉन मंदिर में मदन मोहन विराजे हैं, तो वहीं प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव। मदन मोहन नाम दिया गया था इस मंदिर का, और यही कल्पना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब UDA के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उनके कर कमलों के द्वारा ही इस जमीन को स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद यह आलीशान मंदिर आज बनकर तैयार हुआ है, लाखों भक्त आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रसिद्ध स्थल नारायण धाम महितपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच CM डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव ने रथ यात्रा निकाली, जिसमें ढोल और थाप की गूंज पर महिलाओं ने जमकर नाच गाना किया। साथ ही रथ यात्रा में देवकी नंदन और बाल गोपाल कान्हा के रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में युवक युवतियाँ सजे नजर आए। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय महाकाल। आज जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पे नारायण यादव जी के संरक्षण पे भव्य कृष्ण यात्रा निकाली गई है, जो सबको एक संदेश दे रही है कि कृष्ण जी का जन्म हो रहा है और दुनिया में सब जगह सुख शांति फैलेगी। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि उज्जैन में हर जगह सुख शांति फैले। आज हम उज्जैन में ही मथुरा वृंदावन की वो अनुभूति कर रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, इतना अच्छा मंदिर सजता है। एक और जहां श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में रंग में पूरा प्रदेश भक्तिमय है, तो वहीं इस बीच उज्जैन के राधा कृष्ण मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया सवारा गया है और पूरे मंदिर में तुलसी के पौधे और गमले लगाए गए हैं, क्योंकि कान्हा को सबसे अधिक प्रिय तुलसी का पत्ता है और इसलिए पूरे परिसर को तुलसी के गमले से सजाया सवारा गया है, जो वाकई में काफी अद्भुत नजर आ रहा है। सभी देव स्थल यहाँ पर स्थापित हैं। हनुमान जी हैं, कान्हा जी हैं, प्रभु श्री राम का पूरा दरबार सजा हुआ है, भोलेनाथ जी विराजे हैं, क्योंकि सभी देव तो एक ही हैं, स्वरूप अलग है, और आज सभी रूपों को दिव्य दर्शन के अनुभूति कराते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, कान्हा जी, एक अलग ही दरबार सजाया है और जो पूरे विश्व भर में एक शांति का संदेश देता है। और मथुरा वृंदावन काशी सभी उज्जैन अवंतिका नगरी में आज सभी प्रफुल्लित हो रहे हैं दिव्य दर्शनों से। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की गूंज के साथ पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा है। देश भर के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। इस बीच उज्जैन में भी श्री कृष्ण भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन से विस्तार न्यूज के लिए संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट।